अपनी नीयत साफ थी, अच्छा काम किया होता तुम जीतते। 400 का वादा किया, 400 आना कोई बड़ी बात नहीं है। राजीव गांधी के टाइम पे भी 400 आई थी, अभी भी आ सकती थी। आगामी जितने विधानसभा है उनमें इनको बहुत तगड़ी हार का सामना करना पड़ेगा, मैं इसे अभी बता देता हूँ। उतने लोग गए नहीं होंगे वोट देने के लिए, या वो रहीसीपन करके घर पे बैठे रहे होंगे। जिन्होंने भी दिया तो हार के लिए दिया ना, हार गए ना तो एक्सेप्ट करो, तो 100% देने सार नहीं होती, नहीं देने सार होती है। 400 पार नहीं हुई अभी तक, जख्म है कि आवा वहाँ पर मकान तोड़ दिए सारे सारे सारे। क्या बोला किसी ने, क्या बोलो ने क्या बोला। अच्छा क्या लगता है, 13 विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, भाजपा को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं, इंडिया ब्लॉक को 10 सीटें मिली हैं, कारण क्या हो सकते हैं? जनता ने समझा, जनता ने एक कारण नहीं हो सकते, जनता के बहुत कारण हो सकते हैं। जनता ने जहाँ जहाँ गए वहाँ अलग अलग मुद्दा हो सकता है, जैसे कि जैसे बद्रीनाथ में आ रहे, बद्रीनाथ में इसे क्या कहते हैं, इनका अक्सर जाना आना लगा रहता है। जब भी जाते हैं कोई भी नेता कहीं पे भी आता है, लोगों को परेशानी तो होती है, उस दिन कारोबार भी बंद रहता है, कई एक चीज़ तमाम चीज़ें होती हैं। तो वहाँ की जनता ने उनको सोचा कि नहीं, हम नहीं पसंद करना। विधानसभा का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव नहीं था। विधानसभा में भी इनको हार की सामना करना पड़ा। तो मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, जैसा कि आंकड़े नतीजा और पहले 10 साल का कार्यकाल जिनका, जो हरियाणा में रहा है, हरियाणा में 2 महीने बाद चुनाव है, तो ये 2 महीने बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार में पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है और दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। बात खत्म। मैं आपसे अभी कह देता हूँ, क्योंकि जब 10 साल का वहाँ का, मैंने हरियाणा के कई एक युवाओं से, किसानों से मेरी बात हुई, इतना बुरा हाल कर रखा है, इतना बुरा हाल कर रखा है ना। आज भी बैठे हुए हैं, आज भी खैर बैठे तो हुए हैं, बैठे हुए हैं, रोड भी बंद है। कई एक लोगों को कितनी, कल मैं न्यूज़ देख रहा था, आने जाने में जो दूध वाले हैं, जिनका पर डे आना जाना लगा रहता है, उन्होंने अलग नहर पे से रास्ता बना के वहाँ जा रहे हैं, उसको क्यों नहीं खोल ले भाई, किसानों का समाधान क्यों नहीं कर। ये तो चलो अलग बात होगी, जो हारे जीते हैं ये तो जनता का फैसला है, लोकतंत्र है, हारे जीत लगी रहती है। पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर यहीं पे ये बीजेपी वाले जीतते ना तो तुरंत खड़े हो जाते, कांग्रेस क्यों हार गई, कांग्रेस क्यों हार गई। अरे कांग्रेस हार गई तो हमसे क्यों पूछ रहे हो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछो, तो हम तो नहीं पूछ रहे तुम हार गए। ठीक है जनता का फैसला था, हार गए कोई बात नहीं, पर तुमने अपनी वो तो देख ली, तुम्हारी कितनी नीयत थी, कितनी नीयत साफ थी, अच्छा काम किया होता तुम जीतते। 400 का वादा किया, 400 आना कोई बड़ी बात नहीं है। राजीव गांधी के टाइम पे भी 400 आई थी, अभी भी आ सकती थी, 400+ आई थी, आ सकती थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। पर उससे क्या कहते हैं, तुम्हारी काम अच्छे नहीं रहे, जनता के जो तुमने कहा वादा करके तुम आए नहीं, ग्राउंड फ्लोर पे उतरे ही नहीं, तो जनता ने साफ जवाब दे दिया। और आगामी जितने विधानसभा हैं उनमें इनको बहुत तगड़ी हार का सामना करना पड़ेगा, मैं इसे अभी बता देता हूँ। अच्छा क्या लगता है आपको, कल 13 विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, 10 सीटें मिली हैं इंडिया ब्लॉक को, 2 भाजपा को मिली हैं, कारण क्या हो सकते हैं? कारण क्या है, रिश्वतखोरी है, रिश्वतखोरी चल रही है। अच्छा। और क्या, बंद कर दी रिश्वतखोरी, कुछ नहीं हो रहा, नहीं बंद हुई है। और क्या कारण हो सकते हैं, और क्या है, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। अच्छा बद्रीनाथ हार गए भाजपा वाले वहाँ से, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हार गए तो हार गए, उसमें क्या कर सकते हैं, हार गए हार गए। आदमी अब उनकी सोच है कि उन्हें वो बद्रीनाथ वाले तो बताएंगे, हम थोड़े बताएंगे, हम थोड़ी बताएंगे, वही बताएंगे वो तो क्यों हार रहे हैं। राम मंदिर बनाया हुआ वो हार गए वहाँ पर, बद्रीनाथ भी हार गए, हार गए क्यों हार गए, कुछ गलत करा होगा, कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा वहाँ पर, कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा वहाँ पर, तब तो हारे हैं। क्या किया गलत, कुछ अड़ी आपको, कुछ गलत किया होगा वहाँ पर, मकान तोड़ दिए सारे सारे सारे। क्या बोला किसी ने, क्या बोला किसी ने, क्या बोलो, किसी ने क्या बोला, एक छावा है, एक केदारनाथ बना रहे हैं दिल्ली में। हर आदमी अगर एक दूसरे की बुराई करता तो उसको ये पता है कि अगला आदमी हमसे बहुत तगड़ा है, हमसे आगे जा रहा है, इसलिए उसकी एक दूसरा बुराई करता है। नहीं, बुराई की बात नहीं, या तो हार चुके हैं, नहीं या तो हार चुके हैं। जो आदमी दूसरे की बुराई करता है, ठीक, क्यों, क्योंकि वो पार्टी हमसे आगे जा रही है, या वो आदमी हमसे आगे जा रहा है, या वो व्यक्ति, यही पूछ रहा हूँ कि कारण क्या हो सकते हैं। कारण तो ये तो देखो, हम ना कहीं पब्लिक में टहल रहे हैं इतना ज़्यादा, ना कोई हो सकता है वहाँ या उतने लोग गए नहीं होंगे वोट देने के लिए, या वो रहीसीपन करके घर पर बैठे रहे होंगे, वो वहाँ की जनता बता सकती है। ये आम जनता क्या है ना, दो शाम सुबह के खाना पा के खा के सो गए, एक दूसरे की बुराई कर दिए, इससे कोई निष्कर्ष निकलने वाला है। वो वहाँ जाके आकर आप सर्वे करोगे, कोई वो करोगे, तभी वहाँ का असलियत सामने आएगा, यहाँ से कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ये सब कहने सुनने की बातें हैं, ये न्यूज में हमने कुछ बोल दिया, आपने कुछ सुन लिया। ये कह रहे हैं कि वोट देने नहीं गए होंगे इसलिए कम वोटें मिली हैं उनको, हार गए। जिन्होंने भी दिया तो हार के लिए दिया ना, हार गए ना तो एक्सेप्ट करो, तो 100% देने सार नहीं होती, नहीं देने सार होती है। 400 पार नहीं हुई अभी तक, जख्म है। देखो ये कह रहे हैं समीक्षा कर रहे हैं, पुलवामा में अटैक हो जाए समीक्षा कर रहे हैं, जांच बिठा रहे हैं, पुल टूट जाए तो जांच बिठा रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, हैं आतंकवादी हमले हो जाएं वहाँ पे, अभी हुए हैं कितनी बार,
तीन चार बार हो गए जब से शपथ ली है, हम समीक्षा कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं। अरे इनके पास और कोई काम ही नहीं है, जांच कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। 5-6 साल हो गए पुलवामा अटैक को, अभी तक जांच और समीक्षा ही हो रही है क्या यार? अब ये जनता समझ गई है, हिंदू जाग चुका है, अब इनको हिंदू जाग चुका है सर, हिंदू जाग चुका कह रहे हैं। राहुल गांधी सोए थे अभी तक, हिंदू राहुल गांधी बोलते हैं हिंसा करता है हिंदू, देखो इसीलिए राहुल गांधी से भरी सवाल बोलते हैं हिंसा करता है हिंदू। जीत तो रहे वो, अयोध्या जीते, इसका मतलब वो भी हिंसा करते हैं, अरे वो भी हिंसा करते हैं, इसका मतलब मुस्लिम को वोट लेने के लिए बोलता है, मुस्लिम का सहता है वो भी हिंसा करते हैं। मुस्लिम अलग चीज है, मेरे को इतना तरस आता है, मैं इन भक्तों पे इतना तरस आता है, ये खिला राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी के अलावा इनके पास मोदी मोदी कहना भूल गए हैं। राहुल गांधी राहुल गांधी, हरे हर दिन हर रात राहुल गांधी बोलते हैं, मोदी मोदी कहना भूल गए हैं। यही 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 जीना हराम है।